मुंबई के बोरीवली पश्चिम में स्थित फीनिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक चमत्कारी ऑपरेशन किया है। 75 वर्षीय बुजुर्ग मरीज के पेट में 2.5 किलो का तिल्लीक स्प्लीन हो गया था। मरीज के घर वाले परेशान थे, मरीज की हालत खराब हो रही थी। डॉक्टर के पास ऑपरेशन के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन एक डर यह भी था कि मरीज की उम्र 75 वर्ष की है और ऐसे में ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं, इस बात का कहीं ना कहीं डॉक्टर को डर था। फीनिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मरीज के परिवार वालों को भरोसे में लेते हुए इस ऑपरेशन को करने का बीड़ा उठाया और करीब 2 घंटे तक कड़ी मेहनत के बाद 75 वर्ष के मरीज के पेट से ऑपरेशन कर 2.5 किलो के तिल्लीक स्प्लीन को बाहर निकाल कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। चैलेंजेस मेल मतलब ये था कि पेशेंट का एज 75 ईयर ओल्ड मेल थे, पेशेंट थे, ब्लड में दोष था उनको, उसके वजह से उनका प्लेटलेट्स काउंट हमेशा कम रहता था। इसके वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती थी, वीकनेस काफ़ी आ जाता है, उनका वेट लॉस भी होना शुरू हो गया था। तो ये एज में कार्डियक फैक्टर भी एक रहता है, दिल की बीमारी होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऑन टेबल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसमें वो ऑपरेशन करना डिफिकल्ट थोड़ा जाता है, बट इजीली सक्सेसफुली वो ऑपरेशन हो गया हमारा। कितने घंटे तक ऑपरेशन चला और क्या पेशेंट को उसके बारे में इसकी जानकारी थी? पेशेंट की इसके बारे में जानकारी मतलब उसको कुछ बीमारी है इतना पता है फिलहाल, उनके रिलेटिव को सब चीज़ मालूम था, उनसे बैठ के मैंने पूरा डिस्कस किया था पेशेंट क्या और सर्जरीज के फ़ायदे नुकसान सब मैंने डिस्कस करने के बाद, कंसर्न लेने के बाद उनका सर्जरी किया था। उनका स्प्लीन काफ़ी बड़ा हो गया था, उसका नॉर्मल वज़न 150 ग्राम्स के आसपास रहता है, इनका उस बीमारी के वजह से ब्लड के दोष के वजह से वज़न ऑलमोस्ट 2.5 किलो जितना हो गया था, और उनका वेट उसके वजह से ज़्यादा बढ़ भी गया था, लेकिन प्रोटीन्स लॉस भी उतना ही ज़्यादा हो रहा था। सर्जरी 2.5 घंटा तक चला, अनइवेंटफुल, पेशेंट ऑपरेशन के बाद में कम्फर्टेबल थे। सर अगर जो सही वक्त पे इसका ऑपरेशन नहीं किया जाता तो इसका क्या नुकसान हो सकता था और कितने डॉक्टर्स की टीम लगी थी इसको ऑपरेशन करने के लिए? क्या ऑपरेशन से पहले कोई सर्च या कोई रिसर्च भी आप लोगों ने किया थे? पेशेंट मेन ब्लीडिंग टेंडेंसीज, वीकनेस, ब्लड लॉस, उसके लिए एडमिट हुए थे। तो उस दौरान इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनको ब्लड का कुछ दोष है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा करके हम लोग उसको बोलते हैं। उसके बाद उनका फटाफट ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उनको पहले कीमोथेरेपी देके कंट्रोल में थोड़ा सा लाया गया, सब स्टेबल करके मैडम ने फिर उनको वैक्सीनेशंस दिए जो कंपलसरी है। स्प्लीन हमारा ऐसा ऑर्गन है जो निकालने के बाद बॉडी का इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाता है, दूसरे इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वैक्सीन देने के बाद उनको स्टेबल किया और उसके बाद में फिर उनको सर्जरी किया गया। सौरव सर, इस तरह के केसेस बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब आते हैं तो कितना बड़ा रिस्क होता है एक डॉक्टर के लिए, क्योंकि इतना बड़ा निकालना, पेट के अंदर से ऑपरेशन करना कितना डेंजर हो जाता है और कितनी सावधानियां बरतनी पड़ती है इसके लिए? देखो ये सर, ये जो डॉक्टर नितिन ने जो स्प्लीन का जो सर्जरी किया है इस पेशेंट का, तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये था कि पेशेंट का एज 75 था, जिसमें अपने एज ज़्यादा होने की वजह से बॉडी के सब ऑर्गन्स अपना उतना ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पाते जितना यंग एज में फंक्शन कर पाते। तो और ये बड़ा साइज था स्प्लीन का जो हमने हमारी टीम ने पूरा डायग्नोज किया था, तो रिस्की तो होता है। जो एनेस्थेशिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है, उसके अपने आप एक टाइप के रिस्क होते हैं, और सर्जिकल फील्ड जो रहता है यानी पेट में अपन काट के हम जो निकालते हैं सब ऑर्गन को, तभी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, ब्लीडिंग होने के बहुत चांसेस रहते हैं। बट मेरा पूरा टीम था, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर इमरान शेख, ये सब पूरे टीम ने एक अच्छा सर्जरी किया है, जो कि लगभग 2.5 किलो का स्प्लीन हमने निकाला है। तो मैं डॉक्टर नितिन, डॉक्टर इमरान शेख और पूरे फीनिक्स हॉस्पिटल के जो टीम है उनका मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसे एक कहावत है, नो रिस्क नो प्रोग्रेस नो सक्सेस, इस कंसेप्ट से हम हर पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। जब पेशेंट आए थे तो जैसे सर ने बताया कि उनको पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, दूसरी बीमारी को लेकर आए थे, जब आप लोगों को पता चला तो आप लोगों ने पेशेंट को बताया और क्या हो सकता था अगर सही वक्त पे उनका ऑपरेशन नहीं किया जाता, नहीं निकाला जाता, तो उनके साथ क्या हो सकता था, कितना? नहीं, ये स्प्लीन का साइज और बढ़ते जाता था,
और ये बढ़ने की वजह से उनको पेट बड़ा हो जाता था, फिर पेट बड़ा होने से अपने पूरे बाकी के आजू बाजू के जो अपने ऑर्गन्स यानी अवयव रहते थे उस पर प्रेशर आता था, डिसकम्फर्ट होता था। कभी कभी साइज बढ़ने से एक कैपेसिटी के बाहर अगर स्प्लीन बढ़ेगा तो बस्ट हो सकता था, तो ये मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे स्प्लीन बढ़ने की वजह से। तो वो राइट टाइम, राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट, राइट सर्जरी, ये सब राइट ट्रैक पे गया है और फॉर्चुनेटली हमने पेशेंट को आज डिस्चार्ज भी कर दिया है। अच्छा, ये स्प्लीन जो है कितने लोगों में पाया जाता है, कैसे ये तैयार होता है? हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक आदमी के पेट में स्प्लीन होता है। तो मतलब वो इतना बड़ा कैसे हो गया, कुछ कारण? वही, अभी वो बड़ा इसलिए हो गया कि वो जो उनको बीमारी है उसकी वजह से प्लेटलेट यानी रक्त बिंबिका जो होती है वो कम हो जाती है, तो वो स्प्लीन क्या करता है कि उसको तैयार करने की कोशिश करता है, तो वो तैयार करने में करते 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 वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से ना उसका साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको तो तैयार करनी है वो प्लेटलेट बॉडी में मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो प्लेटलेट कम है तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि अपना ब्लीडिंग हो सकता है, खून बह सकता है कोई भी बॉडी के जिधर होल्स होते हैं, जैसे उल्टी में से, नाक में से, संडास में से, पेट में खून जमा हो सकता है, तो इसीलिए उसका काम है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसका साइज बढ़ जाता है। ऐसे तमाम लोग जिनको इस बीमारी के बारे में पता नहीं होगा या फिर उनके अंदर है उनको पता नहीं, तो ऐसा ज्यादा बड़ा ना हो तो सावधानियां कैसे बरती जा सकती है, क्या किया जा सकता है? नहीं, मैं तो डॉक्टर के नाते सबसे पहले ये बोलूँगा कि हर एक आदमी ने कुछ भी छोटा सा भी तकलीफ होता है तो उसको पॉजिटिवली लेके डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, चाहे वो 30 साल में कोई मतलब बोल रहा है कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, बट कॉमन लोग सोचते हैं कि हमको एसिडिटी हो गया, ऐसा नहीं रहता है, उसका हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसलिए सावधानियाँ यही कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी अगर हम बीमारी के पहले ही कुछ हमको सिग्नल मिल जाता तो उसका इन्वेस्टिगेशंस कर लो डिटेल में, हम बैठे हैं 24/7 पब्लिक की सेवा के लिए, तो अगर हम ये फॉलो कर लेवे कि जैसे कि भाई 40 के ऊपर है तो उसका सोनोग्राफी कर लेवे, तो सोनोग्राफी करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तो उससे अपने बहुत सारे डायग्नोसिस का पता चल जाता है। उस वक्त उनका किस तरह का रिएक्शन था? 25 अप्रैल को इनका अभी सर्जरी हुआ है, 2 दिन पहले ही। सर्जरी करने के बाद जब भी मैं बाहर आया और इनके रिलेटिव जो भी हमारे साथ में बैठे हैं उनको दिखाया तो दे वर वेरी हैप्पी। मतलब उन्होंने पहले वही पूछा कि पेशेंट कैसा है घर में, तो पेशेंट अच्छा है, कंफर्टेबल था, और उनको मैंने दिखाया, उसके बाद देखने के बाद वो भी थोड़ा सा चकित हो गए कि इतना बड़ा कैसे अंदर है करके, बट ज़्यादा उन पेशेंट कम्फर्टेबल था ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी उनकी हालत कैसी? पेशेंट अभी एकदम स्टेबल है। दूसरे दिन हमने उनको लाइट डाइट शुरू किया था, दोपहर के बाद में उनको फ्लूड डाइट करके मोबिलाइज किया, चलाया, पेशेंट चलते फिरते हैं, अपना काम सब कुछ खुद से करते हैं, वॉशरूम जाना, खाना सब अपने हाथ से करते हैं, और आज पेशेंट डिस्चार्ज हो गए हैं। पंचहत्तर वर्षाचे एक पेशेंट आपल्याकडे ॲडमिशन झालेला आहे, त्यांना मेन म्हणजे वीकनेस, ब्लड बॉडीमध्ये कमी असणे, प्लेटलेट्स डाऊन होण्यासारखे हा आजार होत होता। निदान त्यांचं आपण ब्लड टेस्ट जशी करत गेलो तसं माहिती पडलं, त्यांना ऑन्कोलॉजिस्टनी पण पाहिलं, निदान लागल्यानंतर पाहिलं की आपण त्यांचं स्प्लीन खूपच मोठं जास्त वाढलेलं होतं, त्यांचं स्प्लीन नॉर्मली जे आपल्या लेफ्ट साईडला असते ते नाभीच्या खालीपर्यंत एवढं मोठं वाढलेलं होतं। आपण मग पटापट सगळी त्यांचं रिपोर्ट्स करून निदान लावून त्यांची सर्जरी प्लॅन केली। सर्जरीच्या अगोदर आपल्याला वॅक्सिनेशन्स पेशंटला देणं असते, ते आपण दिलं, पेशंटला स्टेबल केलं आणि त्याच्यानंतर आपण सर्जरीला घेतलं। सोमवारी त्यांना ॲडमिट करून आपण मंगळवारी सर्जरीला घेतलं। डॉक्टर इम्रान शेख, मी, डॉक्टर नितीन दिवटे आणि माझी फिनिक्सची पूर्ण टीम, आम्ही सगळ्यांनी मिळून हे ऑपरेशन 2.5 तासामध्ये केलं। स्प्लीन जे नॉर्मली 150 ग्रामपर्यंत असते आणि साधारण 1-7 ते 8 सेंटीमीटर लाँग असते, ह्यांचं 30 सेंटीमीटर लाँग वाढलेलं होतं आणि त्याचं वजन जवळजवळ 2.5 किलोपर्यंत झालेलं होतं। त्यांचं वय 75 वय असल्यामुळे थोडेसे रिस्क फॅक्टर्स जास्त होते, वीकनेस होता त्यांचा, ते आपण ब्लड दिलं त्यांना, प्लेटलेट्स दिले त्यांना, स्टेबल केलं आणि त्याच्यानंतर सर्जरी केली। ऑपरेशननंतर पेशंट कम्फर्टेबल आहेत, दुसऱ्या दिवशी ते स्वतः उठून स्वतःचं आपले काम, जेवण, वॉशरूम जाणे करतात आणि आज जरा 3 दिवशी आपण त्यांना डिस्चार्ज करतो आहे।
ऑपरेशन झाल्यानंतर जे त्यांचे नातेवाईक आहेत त्यांचे रिएक्शन काय होतात, त्यांनी काय सांगितलं? कारण त्यांना आधी माहीत नव्हतं की त्यांना काय. ऑपरेशनच्या अगोदर आपण सगळ्या पेशंटच्या नातेवाईकांबरोबर बसून डिस्कस करतो त्यांना काय काय आजार आहे, त्याचे काय फायदे काय नुकसान आहे ते सगळं आपण डिस्कस करतो. रिस्क फॅक्टर्स पण आपण त्यांच्याशी डिस्कस केलेलं होतं, पण मग ऑपरेशन केल्यानंतर एवढं मोठा अवयव बाहेर निघेल अशी अपेक्षा त्यांनाही कदाचित नव्हती. आम्ही थोडेसे ते चकित होते, पण अल्टिमेटली पेशंट आपले चांगले आहेत हेच आमच्यासाठी जास्त महत्त्वाचं आहे. बरोबर सर, तुम्ही काय सांगेल, किती मोठी यश मिळालं आहे तुमच्या हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांना आणि किती चॅलेंजेस होते हा ऑपरेशन? सर्वात महत्त्वाचं चॅलेंज म्हणजे अशा पेशंटला ऑपरेशन करताना एक वय हा जो फॅक्टर असतो जो रिस्की असतो, कारण की ओल्ड एज 75 एज म्हटल्यानंतर त्यांना जेव्हा आम्ही बेशुद्ध करतो, आमची टीम जे अनस्थेशिया डॉक्टर असतात धूलतज्ज्ञ म्हणतो आपण त्यांना, तर त्याचं मेन म्हणजे हार्ट आम्हाला टेक केअर करायला लागतं, कारण की त्या भूल जी दिली जाते ती पूर्ण बेशुद्ध केली जाते पूर्ण बॉडी, त्याच्यामुळे हार्टवर किडनीवर याचा परिणाम होत असतो. म्हणून ती अनस्थेशिया भूल संबंधी रिस्क होती एज जास्त असल्यामुळे. नॅचरली ऑपरेटिव्ह फील्ड म्हणजे जे आम्ही पोट कापून जेव्हा सर्व ऑर्गन्स बघतो हाताळतो बघतो आणि चेक करतो की बाबा आता कुठला ऑर्गन आपल्याला नेमकं काय त्याची ॲनॉटॉमी रचना बघत असतो, तर स्प्लीन आपल्याला टार्गेट होतं की स्प्लीन काढावं लागणार आहे. स्प्लीनच्या आजूबाजूला जेव्हा आपण त्या सर्व रक्तवाहिन्या असतात ते स्प्लीनला एक त्याच्या मुळापासून कापण्यासाठी त्या रक्तवाहिन्या असतात, तर सर्वात मोठा डेंजर आणि धोका असतो की त्या रक्तवाहिन्या फुटू शकतात तुटू शकतात कापल्या जाऊ शकतात आणि ब्लीडिंग होऊ शकतं. ऑलरेडी पेशंटला प्लेटलेट कमी आहे, त्याची रक्त गोठण्याची प्रक्रिया ऑलरेडी डिस्टर्ब आहे आणि अशात हे जी एक मोठी रिस्क असते ती रिस्क आमच्या पूर्ण टीमने घेतली. डॉक्टर इम्रान शेख डॉक्टर नितीन दिवटे या दोन सर्जन लोकांनी ती अतिशय उत्तमरित्या ती सर्जरी ऑपरेशन जे आहे शस्त्रक्रिया हाताळली व मला आनंद होतो. मी माझ्या पूर्ण टीमचं डॉक्टर इम्रान डॉक्टर नितीन यांचं अभिनंदन करेल आणि मी ॲज अ ओनर ऑफ द फिनिक्स आय एम प्राऊड ऑफ देम अँड विशिंग द बेस्ट लक इन फ्युचर ऑल्सो. एज इतना ज्यादा तो इसलिए हम लोग थोड़ा टेंस थे कि कुछ भी हो सकता है, तो फिर भी डॉक्टर्स लोगों ने हम लोगों को इतना कम्फर्ट किया कि वी वर रेडी टू डू एवरीथिंग वॉट एवर दे से. तो ऑपरेशन होने के बाद अब इनलास्ट स्प्लिन था, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा होगा करके, क्योंकि मेरे ससुर जी दुबले पतले हैं तो इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा होगा. फिर भी जब निकाला तो देखा इतना बड़ा है करके, तो वी वर सरप्राइज कि इतना बड़ा ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल डॉक्टर ने कर दिया. एंड पेशेंट को देखने के बाद तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ कि ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन. और अभी दो दिन के बाद तो अभी वो चल फिर रहे खा फिर रहे, तो वी आर सो हैप्पी विद द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स. तो इस चीज को लेकर कितने दिन से आप लोग परेशान थे, क्या तकलीफें हो रही थी पहले? तकलीफें यानी उनको सिर्फ उनका वेट कम हो रहा था और उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा था बार बार, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वैसे उनको कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी इसलिए यहाँ पे एडमिट किया था. तो डॉक्टर्स ने थरोली सब चेक किया और पता चला कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने डॉक्टर्स की टीम ने सब कुछ अच्छा किया हमारे साथ. वी आर सो मच थैंकफुल टू द डॉक्टर एंड हॉस्पिटल. उसे तो कहा जाता है डॉक्टर भगवान होते हैं, और इस उम्र में उनको बचाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है इनके लिए. तो एज ए फैमिली एज आप इनको क्या शुभकामनाएं देंगे डॉक्टर्स के लिए, और आपकी क्या भावना है डॉक्टर्स? डॉक्टर इज नेक्स्ट टू द गॉड, सो व्हाट कैन आई से टू द इंडिया देन से द गॉड. कि आई जस्ट मैं सिर्फ उनको विश करूँगी कि वो अच्छा काम करते रहे और उनका प्रोग्रेस होता रहे बस. थैंक्स अ लॉट.